कैंट थाना क्षेत्र में एक्स आर्मी मैन ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। परिवार वालों ने खून से लथपथ शव दहलान में पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। पूर्व सैनिक भीम यादव नरयावली डिपो में पदस्थ थे। शनिवार को भीम सिंह अपने घर ग्यागंज में थे। पत्नी और बच्चे कमरे में थे। इसी दौरान अज्ञात कारणों के चलते घर की दहलान में भीम यादव ने खुद की लाइसेंसी 12 बोर बंदूक दाढ़ी पर अड़ाकर फायर कर लिया। घटना में गोली लगने से भीम की मौके पर ही मौत हो गई। गोली चलने की आवाज़ सुन परिवार के लोग मौके पर पहुंचे तो खून से लथपथ अवस्था में भीम सिंह का शव पड़ा था। सूचना पर कैंट थाना पुलिस पहुंची, डेड बॉडी का पंचनामा बनाया और पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल भेजा गया है। गयागंज गांव में भीम सिंह यादव जी हैं, इनके द्वारा ये घटना सामने आई है कि उन्होंने खुद को जो है अपनी लाइसेंसी राइफल से खुद को शूट कर लिया है। ये एक्स आर्मी मैन थे और वर्तमान में ये नरयावली आयल डिपो में जो है गार्ड की नौकरी कर रहे थे। अभी उन्होंने क्यों आत्महत्या करी इसका कारण स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया ये बताया गया है किसी परेशानी निजी परेशानी की वजह से उन्होंने खुद को गोली मारी है। सुबह 5 बजे उन्होंने ऐसा बताया गया परिजनों के द्वारा कि उन्होंने ऐसी कृत्य किया है। अभी मर्ग कायम किया गया है और जांच इसमें की जा रही है। जांच से स्थिति स्पष्ट हो पाई ये उन्होंने कदम क्यों उठाया।